गठबंधन को लेकर के हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा में हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, मूलचंद शर्मा का यह कहना है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को किसी की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। सरकार तो हर सूरत में चलेगी, सरकार बीजेपी ही लीड कर रही है, ये बातें कही हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में खास बातचीत के दौरान मूलचंद शर्मा खुलकर इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए। तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर खुलकर जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हरियाणा में सरकार चल रही है और चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। विधायक नहीं तो सरकार नहीं, लेकिन आप ही की पार्टी के बड़े नेता वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी अपने आप में सक्षम है। कल गोपाल कांडा भी मिले हलूपा सुप्रीमो, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के बिना भी सरकार चल सकती है। नैनपाल रावत ये कहते हैं कि भाई सरकार के मंत्री की जो छवि है वो सफेद चादर की तरह थी, लेकिन अब बीजेपी की वजह से उस पर दाग लग गया है। नहीं, मैं मानता हूँ गोपाल कांडा मेरे बड़े भाई हैं, उनमें डिप्टी होम मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार तो अगर ना है तब भी चलेगी। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा, नहीं आजाद विधायकों ने भी कहा है भी सरकार क्या, एक सरकार को तो आदमी चाहिए 46, आदमी तो है 48, आदमी तो 48 है, सरकार तो आज भी उनका समर्थ है, आज भी 48 और 10 58 की है, 58 लोग आज सरकार में, आज भी 58 लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं। ये तो नहीं है कि भी सरकार 10 से चल रही है, 8 पार हैं, 8 भी तो साथ हैं, 8ों को अलग मत मानिए। जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, या नैनपाल रावत जी ने कहा, उन्होंने अपने कांडा साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा भी सरकार तो चल रही है और सरकार का है कि आज़ाद भी साथ है, अगर मान लो निकालते तब भी सरकार चलेगी और गठबंधन है तो सरकार चल ही रही है। हरियाणा ने उसके मंच पे ही सीएम साहब ने कहा कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा है बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, 40 विधायक हैं, 8 और भी हैं, 10 वो भी हैं, बीजेपी लीड कर रही है, बड़ा दल है और 8 वो भी तो हमारे पास आ जाते, 10 जेजेपी के हैं।